सीमा विधि और सतत उद्दीपक विधि के लिए आपको बुक देखना चाहिए या फिर आपके पास गेस पेपर है तो गेस पेपर देखना चाहिए। लेकिन अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, विधियाँ कई तरह की होती हैं, सतत और सीमा, इसके अलावा औसत त्रुटि विधि होती है। तो अभी हम औसत त्रुटि विधि को देखते हैं। औसत त्रुटि विधि के अनुप्रयोग का एक उदाहरण देते हुए मूलर लायर भ्रम की मात्रा का निर्धारण करना है। मूलर लायर भ्रम की मात्रा का निर्धारण करना है। मूलर लायर भ्रम की सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्रयोग में प्रयोगकर्ता पंख रेखा को तीर रेखा से कभी बड़ा तो कभी छोटा करके प्रस्तुत करता है। और ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा। और इसके साथ साथ ही नेट का भी क्वेश्चन है। जब पंख रेखा को तीर से बड़ा रखा जाता है तो प्रायः जो उसके भीतर की ओर छोटा करके तीर के रेखा के बराबर करता है, दूसरी तरफ जब पंख रेखा को तीर रेखा से छोटा रखा जाता है तो प्रायः जो बाहर की ओर करके तीर रेखा को बराबर करता है। इस तरह से प्रक्रिया गति त्रुटि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसी स्थान से उसी तरह से स्थान त्रुटि को नियंत्रित करने के लिए पंख रेखा को आधे प्रयासों में तीर रेखा के बाईं तथा आधे प्रयासों में तीर रेखा के दाईं की ओर रखा जाता है। तालिका में कुछ 64 प्रयासों के आंकड़े दिखाए गए हैं, जिसमें 32 प्रयास में पंख रेखा को तीर रेखा के बाईं की ओर तथा बाकी में 32 प्रयासों में तीर रेखा के दाईं की ओर रखा गया। प्रति संतुलित कार्य डिजाइन के द्वारा ओ आई आर और एल में दिए गए प्रयासों को बराबर बराबर करके दिखलाया गया है, ताकि प्रयोजन निर्माण में गति, स्थान, थकान, अभ्यास आदि से संबंध होने वाली त्रुटियां संतुलित होकर समाप्त हो जाए। तालिका में आंकड़ों में तीर रेखा के जो मानक उद्दीपक हैं उसकी लंबाई 50 मिलीमीटर है, जबकि प्रायोज्य को कुल 64 प्रयास दिए गए हैं। प्रत्येक प्रयास में किए गए निर्णय के मान 46.98 तथा अतः हैं अतः PSE 46.98 हुआ। सभी निर्णय का मानक विचलन 2.315 है, जिससे यह पता चलता है कि प्रायोज्य का निर्णय कुछ हद तक परिवर्त त्रुटि से प्रभावित हुआ है। प्रायोज्य में मूलर लायर भ्रम की सीमा की मात्रा -3.02 है। जब सीमा की दिशा ऋणात्मक होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रायोज्य ने औसत रूप से मानक उद्दीपक को यानी तीर रेखा को उसकी वास्तविक लंबाई से 3.2 मिलीमीटर छोटा समझा है। अतः तालिका से यह भी स्पष्ट है कि प्रायोज्य को निर्णय करते समय स्थान त्रुटि तथा गति त्रुटि भी हुआ है। स्थान त्रुटि 1.095 है तथा गति त्रुटि 0.405 है। चूँकि इन त्रुटियों का मान बहुत ही कम है, अतः प्रायोज्य द्वारा किए गए निर्णयों को हम विश्वसनीय मान सकते हैं। यद्यपि औसत त्रुटि विधि सीमा बोधी त्रुटि विधि तथा सतत उद्दीपक विधि का प्रतिपादन फेकनर ने 1860 में किया था, फिर भी इन विधियों का प्रयोग आधुनिक मनोवैज्ञानिकी में काफ़ी हो रहा है।